मतलब डेफिनेटली लग रहा था ना कि ज़रूर कोई ऐसा लग रहा है मेरे साथ में कोई मामला हुआ है, या तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ मेरे पर में। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई एम मुहर्रम की 7 तारीख और मैं जो है खिचड़ा बना रही हूँ। यहाँ लगभग मेरा बन ही गया है। यहाँ पर जो है दाल गोश्त आलू मैंने रेडी कर दिया है, चावल भी मैंने रेडी करके रखा है। यहाँ पर बस जा रही हूँ मिलाने के लिए और उसके बाद में इंशाल्लाह जो थोड़े से खाना है वो गरीबों में तकसीम किया जाएगा हमारे मरहूम के नाम में। तो जितना हो सकता है अहले सवाब जो है करते हैं, बाकी कबूलियत करना ना करना वो अल्लाह के इख्तियार में है। तो चलिए भाई ज़्यादा बात ना करते हुए आज का क्या करती हूँ पता, व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तो क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो बस चलिए मैं भी इबादत से फारिग हो गई हूँ और सोचा कि भाई आपसे थोड़े जो है अपने दिल की जो है बात शेयर कर दूँ। तो वेल मुहर्रम का महीना चल रहा है और आपने देखा कि अभी थोड़े देर पहले ना मैंने अपने हस्बैंड को जो है मेरे हैसियत के मुताबिक मैंने जो खाना बनाया था वो गरीबों में मैंने तकसीम कर दिया है। और अल्लाह अगर ज़्यादा देगा तो फिर इंशाल्लाह और भी ज़्यादा नेकी करूँगी, लेकिन मैं एक्चुअली ना दिखाती नहीं हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत रियली मैं शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पे ये चीज़ को लेकर, लेकिन मुहर्रम का महीना है भाई, इबादत है। इबादत ज़रूरी नहीं है कि भाई हम मतलब सिर्फ जो है मुहर्रम है, शब बारात है, रमज़ान है, मतलब सिर्फ उसी वक्त में हमें इबादत करनी है। इबादत से मुराद है कि भाई आपको जो है ज़िंदगी भर करना है भाई, और मरने से पहले की तैयारी करनी है। अल्लाह ताला कब ज़िंदगी में क्या करवट ले ले, मतलब इंसान के लाइफ में कब क्या हो जाए बोला नहीं जा सकता। अभी रिसेंटली देख लीजिए, मतलब कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि सडनली मतलब कि मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मतलब कि फ्रूट्स काटे, डाइनिंग टेबल पर रखा और थोड़ी देर के बाद मेरा जो है ना पैक पूरा फ्रीज़ हो गया। ऐसा फ्रीज़ हो गया कि मुझे लग रहा था ना कि पता नहीं पैरालिसिस हो गया ना क्या। तो एक मिनट के लिए ना मतलब लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये आपके एक हफ़्ते पहले की बात है। फिर मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया ऐसा ऐसा, तो फिर उन्होंने जो है मेरे भाई से, यानी मेरे मझले भाई, मैंने आपको बताया वो डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, उनको मैंने कॉल किया। तो फिर भाई ने जैसा मेडिसिन वगैरह बताया, ऐसी नौबत हो गई थी ना कि मतलब डेफिनेटली लग रहा था ना कि ज़रूर कोई ऐसा लग रहा है मेरे साथ में कोई मामला हुआ है, या तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ मेरे पर में कोई टोटके वगैरह ऐसा कहा। तो मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन आजकल के जो होते हैं ना रिश्तेदार, आपकी खुशी, आपकी तरक्की ये सब देख नहीं सकते। वो वैसे ही रिश्तेदार लोग होते हैं ना जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, तो वही आपके लिए बुरा सोचेंगे। और जो आपके अपने हैं तो वो कभी आपके तरक्की से नहीं जलेंगे। वेल जो भी है, तो फिर इंशाल्लाह मतलब अल्लाह ने सब कुछ अच्छा किया। भाई से कांटेक्ट की, भाई ने मेडिसिन दिया। एक दिन पूरा बेड रेस्ट में थी, उठ बैड मतलब यहाँ तक कि वॉशरूम जाने की भी हालत में नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन सारा रात मैंने लिया, मालिश वगैरह किया, उसके बाद में दूसरे दिन जो है मैं उठ के खड़ी हो गई। सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में माँ की दुआ है, जो अभी मेरी अम्मी प्रेजेंट हैं और पापा गुजर गए हैं। मतलब मेरे पापा
अगर उनका रूह आलम बरज़ख में है ना, तो वहाँ से भी मतलब मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे वो, क्योंकि कभी मैंने अपने माँ बाप को नाराज़ नहीं किया है और चाहती हूँ कि भाई कभी मेरे वजह से जो है किसी को तकलीफ़ ना हो। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर किसी का दिल दुखा है मेरे वजह से, तो भाई छोटी हूँ भाई, गलती हो जाती है, हम तो इंसान हैं, गलती होती है। जब शैतान से गलती हो गई है, इबलीस ने गलती कर दी है, तो हम एक नॉर्मल इंसान हैं। वेल जो भी है, लेकिन अल्लाह ने जो है शिफा दे दिया, मैं उठ खड़ी हुई, बहुत बड़ी बात है। और कोशिश करती हूँ कि अल्लाह का काम जितना हो सके करती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत नेकी होती है ना तो वो करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई शब बारात है, रमज़ान है, और भाई सिर्फ सेलेक्टेड जो है आते हैं त्यौहार उस पे ही इबादत करते, नहीं, इबादत जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ रमज़ान और शब बारात, मुहर्रम या शब मेराज, ये मैं सेलेक्टेड इबादत लेके नहीं चलती हूँ। कोशिश करती हूँ भाई जितना हो सकता है नेकी मैं बटोरती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी भी मैंने उस चीज़ को हाइलाइट्स नहीं किया है, ज़्यादा मतलब नहीं करती हूँ। लेकिन आज जैसे देख रही हो ना कि मुहर्रम तो चल रहा है, यानी मुहर्रम का महीना चल रहा है, लेकिन इतनी जाहिलानत हो गई है, ताज़िया वगैरह बन रहे हैं, शिर्क हो रहे हैं, इंसान ही अपने हाथों से बना रहा है और उसको जो है बोसा दे रहा है। बोसा देने का मतलब ये नहीं है भाई कि आप इतने जाहिलानत में आ जाए, भाई आपको नेकी करना है ना, आप छोटे छोटे नेकी करिए ना, आप गरीबों को खाना खिलाइए मुहर्रम में, आप जो है खैरात कीजिए, ज़कात जो रमज़ान में फ़र्ज़ होते हैं वो हम लोग को देना चाहिए अगर आपकी हैसियत है। तो ये सब नहीं करके क्या करते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं जहालानत गिरित करते हैं भाई, लेकिन अल्लाह हम सबों को अपने हिफ्ज़ अमान में, और अल्लाह ताला हम सबको सिरातुल मुस्तकीम में चलने की तौफीक अता फरमाए, और ये सब शिर्क बिदात से अल्लाह ताला हम सबों को बचाए। भाई मैं भी चाहती हूँ तो मुहर्रम के जो है बहुत सारे जो आपसे है शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उस तरह का कुछ करती नहीं हूँ ना। मतलब इतना होता है कि भाई 9 तारीख को रोज़े रहती हूँ, 9-10 के रोज़े, तो शरबत वगैरह बना लेती हूँ, और साल में एक बार जो है मीठी रोटी यानी मलीदा बनाती हूँ, तो थोड़े बहुत जो है मैं भी शौक़ से खाती हूँ, बच्चे लोग भी शौक़ से खाते हैं, तो बना लेती हूँ, लेकिन फातिया नहीं देती हूँ भाई, क्योंकि फातिया देने का मतलब कि भाई उस चीज़ को आप अगर कहीं पर बेअदबी के तौर पर रख देंगे तो बहुत बड़ा गुनाह पड़ेगा, क्योंकि उस पर आप सूरह फातिया, चारकोल ये सब पढ़ कर आप फातिया देते, तो ये सब चीज़ की ना बहुत बड़ी बेअदबी होती है। आप लोग जो ये सब करते हैं ना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में या हुसैन के नारे लगाते हैं, तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस चीज़ के लिए नहीं बोला है कि भाई मैं शहीद हो गए हूँ और मेरे गम में आप या हुसैन के नारे लगाएं, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप सभी जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही लखते जिगर उनके नवासे थे, जो 10 मुहर्रमुल हरम के दिन शहीद हो गए। तो हम लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए, हम लोगों को जो है कुरान में जो जिस चीज़ का जिक्र किया गया उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, किसी के बात पर अमल ना करें। भाई वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, अल्लाह ने जो फरमाया है उसको फॉलो करें भाई। और हदीस यानी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज़ से मना किया है उसको फॉलो करें भाई। ये नहीं है भाई आजकल के बहुत से आलिम हैं, बहुत से ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे फतवे दे दिए जिसके इंस्ट्रक्शन पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग गुमराह हो गए हैं भाई। लेकिन जो सही जो है मौलाना साहब हैं या बड़े बड़े जो है जैसे कि और भी बहुत सारे हैं नामचीन मौलाना है लोग हैं, तो उन लोगों के जो है अगर आप जाकर उन लोगों को फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है गुमराही से आप लोग बचेंगे। लेकिन इंसान जो है मतलब इस चीज़ में गुमराह हो गया है और बस यही जो है सिलसिला चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे से बहुत बेहतर है, बहुत ही कम हो गया है। तो यही बोलूँगी भाई, मैंने भी जो जितना करना था भाई कर दिया है भाई, और इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि कबूल ना करना और करना वो अल्लाह के इख्तियार में है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है। और चलिए भाई मुहर्रम चल रहा है तो भाई इबादत कीजिए इंशाल्लाह, और ये चांद तो अभी चलेगा। और एक बात है कि मान लीजिए ये चीज़ को जो मैं बोल रही हूँ, मेरे कहने का गलत इंटेंशन मत लीजिएगा, कि मानिए कि अगर किसी के घर पे मैयत हो जाता है तो मैयत के बाद क्या वो मातम मनाने के लिए ढोल बजाएंगे? अब ये बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं ये बात सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, क्योंकि जब किसी के घर पे मैयत हो जाती है तो कोई क्या मातम मनाता है या ढोल पीटता है, ये तो शिया का काम है,
ये शिया लोग करता है, ये कर कर चले आ रहा है उन लोग, मतलब कि ये सदियों से ये चीज़ हो कर आ रहा है, तो हम शिया के इंस्ट्रक्शन को क्यों फॉलो करें? हम मुसलमान हैं, हम हदीस पर गौर करें, हम कुरान पर गौर करें, हम शिया के इंस्ट्रक्शन क्यों फॉलो करें? तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि मैंने जो आपको ये बोला है तो ये मैंने सही बोला है, 100% मैंने आपको ये चीज़ सही बोल रहा है। अगर आपको नहीं अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप जाके माने वाले कुरान को खोल कर टटोले वहाँ पर, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस से जो साबित है, सही बुखारी की हदीस को फॉलो करके आप इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं। तो चलिए भाई, जितना हो सका मैंने जो है आपसे दो चार बातें की होंगी। माजरत चाहूँगी अगर मेरी बात का बुरा लगा होगा कि भाई मतलब मैं ऐसे आप लोगों के सामने में मतलब बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलती हूँ, और मुझे जो सही नहीं लगता है तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, आप लोग समझदार हैं भाई, लेकिन इतना कोशिश करें भाई कि हम लोग इधर उधर की बात किसी के ना सुनकर भाई, किसी की बात ना सुनकर सिर्फ़ और सिर्फ जो है कुरान और हदीस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, तो भाई गुमराही से बच सकते हैं। बाकी तो है अल्लाह ताला बख्शने वाला है, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। तो भाई मैं भी अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए आकर विज़िट किए ना आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगता है। तो चलिए भाई, मिलती हूँ इंशाल्लाह एक अच्छे ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकअल्लाह।